बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। वेलकम करें तो नौसे अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, बाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं मीठा, तो जो बहुत ही मज़े का बनता है, सबसे डिफरेंट है। जैसे कि अब हर ईद पे तो मीठी चीज़ तो कोई ना कोई बनती है ना, सूजी हलवा और सेवइयां बना बना कर। अगर आप लोग बोर हो चुके हैं तो फिर ये ट्राई करें कुछ नया। तो आज हम बनाने लगे हैं बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आधा किलो मैं दूध डालूंगी इसके अंदर। आधा किलो मैंने दूध डाल दिया है, तो अभी नीचे आग जला लेते हैं, इसे उबलने देते हैं। एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो भी डालना होगा वो डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने 5 से 6 चम्मच मैंने चीनी के लिए हमें ये डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए अब उबलने का इंतज़ार करते हैं दूध का। दूध को उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर 3 इलायची हैं जो मैंने तोड़ के डाल रही हूँ, ये डाल देते हैं। और साथ ही इसके सेवइयां डाल देते हैं। ये वाली रंगीन सेवइयां ली हैं, एक टोरी मैंने भर के ली हुई है, तो ये डाल देते हैं। और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल नीचे आग स्लो करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हल्की हल्की आग पे ये पकती रहेंगी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएंगी बिल्कुल। तो चले इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, आग मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। ये देखिए, सेवइयां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, गल भी गई हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ही गल चुकी हैं। ये देखिए सेवइयां। तो अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल दूँगी इसके अंदर, इससे गाढ़ा भी हो जाएगा और टेस्ट भी और बढ़ जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इसलिए डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। साथ ही गिरी और बादामों को मैंने, बादामों की मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है और गिरी को मैंने कद्दूकस कर लिया, ये डाल देते हैं इसके अंदर। तो अब फिर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर नीचे से आग बंद कर देंगे इसके। ये देखिए, वैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह की बनी है सेवइयां। तो उधर सेवइयां पक रही हैं, ये देखें। तो इधर मैंने आग जला ली है नीचे, तो ये आधा किलो ही मैंने दूध लिया हुआ है, तो इसका हम बनाएंगे कस्टर्ड। मैं बनाना फ्लेवर लिया हुआ मैंने, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, जो भी आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे यही पसंद करते हैं तो मैंने यही लिया हुआ है बनाना ही। तो इसके अंदर आधा किलो दूध है, तो इसके अंदर 5 चम्मच मैं चीनी के डाल देती हूँ। तो इसको भी एक उबाल आना देते हैं, आने देते हैं। तो ये जो हमने दूध डाला है ना, इसी में से तकरीबन हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और इसमें कस्टर्ड मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 से 6 चम्मच ही होंगे। चले दूध को उबलने देते हैं। ये देखिए, सेवइयां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब नीचे से आग बंद कर देते हैं, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल ये देखिए कितनी प्यारी गाढ़ी हो चुकी हैं, अब ठंडा होके और गाढ़ी हो जाएंगी। मैंने ये वाला कस्टर्ड लिया हुआ है, तो चले 2 चम्मच कस्टर्ड के डालते हैं इसके अंदर, भर के डालेंगे। एक 2 चम्मच कस्टर्ड के डालने हैं, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। दूध को भी उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर ये देखिए मैंने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इसके अंदर और साथ ही चमचे हिलाते रहेंगे, तो कोई इसके अंदर गुठली या लम्स वगैरह ना बने, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ ही चमचे हिलाते रहेंगे। तो चलिए अभी इसे भी गाढ़ा होने तक पकाते हैं।
और साथ ही इसके मैं थोड़े से जो मैंने बादामों की अभी कटिंग करके रखी हुई है ना, ये देखें, तो थोड़े से बादाम इसके अंदर डाल देंगे, बाकी गार्निश के लिए रख देंगे। तो चलो अब इसे भी गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। कस्टर्ड भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए इसी तरह का हम रखेंगे, क्योंकि हम जब ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो ब्रेड ने तो जज़ब करना है ना, तो इसीलिए इस तरीके का बनाएंगे। बहुत ही मज़े का इस तरीके से मीठा बनता है। आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये वाला मीठा ज़रूर इस बार बनाएं, तो सभी को बनाकर खुश कर दें। बहुत ही मज़े का बनता है इस तरह से आप बनाएंगे मीठा। तो चले अब नीचे से आग बंद कर देते हैं और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगला स्टेप करते हैं हम, ये देखें मैंने ब्रेडों के किनारे उतार दिए हैं, तो इस तरीके से मैंने कटिंग करके रख ली है इसकी। तो चलें अब डिश आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने चीज़ें दोनों को ठंडी कर लिया है हमने, तो सबसे पहले हम डालेंगे जो हमने कस्टर्ड की रबड़ी बनाई हुई है ना, वो डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब ऊपर ब्रेड रखेंगे इस तरीके से, अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप उसी हिसाब से ब्रेडों की कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास छोटा था तो मैंने उसी हिसाब से कटिंग की हुई, ये देखें। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने सेवइयां बना कर रखी हुई है ना, वो डाल देंगे इसके ऊपर। अब अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं हम। तो चलिए बिस्मिल्लाह, इस तरीके से हम सेवइयों की लेयर ऊपर लगा देंगे। ये देखें मैंने सेवइयां भी ऊपर लगा ली हैं, अब थोड़े से बादाम ऊपर लगाएंगे और थोड़ी सी हम ऊपर लगाएंगे गिरी का बरादा। तो फिर हम एक रखेंगे ऊपर ब्रेड इस तरीके से। अच्छे तरीके से दबा देंगे ऊपर से, ये देखिए इसी, दूसरा भी रख लेंगे इसी तरीके से। तो अब फिर ऊपर कस्टर्ड वाली रबड़ी डालेंगे, इतने मज़े के बनते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह बनते हैं, मिनटों में ही मुंह में घुल मिल जाने वाली रेसिपी है ये। बूढ़े और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को कुछ नया खिलाना चाहते हैं ना तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी सेवइयां, आप एक बार ज़रूर ट्राई कर देखना, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट है, तो मैं इसीलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी अपने बच्चों को बना कर देंगे तो आपके बच्चों की भी फेवरेट हो जाएगी ये वाली डिश। तो ये देखिए हमने इस तरह से लगा दिए, अब फिर ऊपर हम लगाएंगे बादाम। तो अब हमने ये देखें डिश तो पूरी बना ली है हमने, तो अभी हम इसे ना ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। जब ठंडा हो जाएगी तो फिर हम इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, आप लोगों ने भी ज़रूर बना कर देखनी है ये देखें। तो चलिए अब इसे फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर बाद को आप लोगों को फाइनल लुक इसकी दिखाएंगे। ईद स्पेशल डिज़र्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, इतना तो मज़े का बनता है ना इस तरीके से। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये नहीं ये देखें। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेक भी करवाती हूँ, इतना मज़े का बना हुआ है ना। ये इफ्तारी करने के बाद मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ, क्या ना क्योंकि आप ही आपने रोज़ा नहीं रखा। तो वाकई A+, बहुत ही मज़ेदार बना है।
तो आप लोगों ने भी ज़रूर ये वाला मीठा ट्राई करना है। तो अगर आप लोग कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर बनाना, बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरे मीठे की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।